हेलो फ्रेंड्स, मैं ये दो बॉक्सेस को आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था जिसको मैं आप लोगों के सामने रिव्यू देने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं ये छोटा सा बॉक्स, जो कि मुझे डिलीवर हो चुकी है। एक दो दिन का डिफरेंस था, बट एक ही दिन मैंने ऑर्डर किया था, बट डिलीवर का टाइम डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो मैंने दोनों को आने का इंतजार किया एक साथ, फिर मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं फर्स्ट बॉक्सेस को ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। एक्चुअली में कैसा आएगा नहीं आएगा डाउट था, तो फर्स्ट बॉक्सेस को मैं ओपन कर लेती हूँ। जो कि मुझे मिला है कुछ इस तरीके से, छोटे से बॉक्स में, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिला है। देख पा रहे होंगे ज्वेलरी है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो ज्वेलरी जो मुझे है वो कितने की पड़ी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें जो फर्स्ट है वो है इयर रिंग मांगटीका। ठीक है, मैं इसे वेयर करके भी दिखाऊंगी, ये मांगटीका है। एंड सेकेंड जो है इसमें इयर रिंग मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। तो इयर रिंग को सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ, दिस वन। एंड इसमें जो है वो कुंदन लटका हुआ था पीछे, एक्चुअली में इसके साथ दिया हुआ है, देख रहे हैं कि दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो इयर रिंग है ये काफ़ी हेवी इयर रिंग है, बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा हेवी नहीं है, लाइट वेट में ही है और काफ़ी सुंदर है, दिख तो रहा होगा, काफ़ी सुंदर इयर रिंग है। मैं इसे वेयर करके दिखा रही हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये इयर रिंग जो है वो बड़ा है, आप इसे लहंगा में वेयर कर सकते हैं, लहंगा में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, और पीछे कुंदन इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको कान को ज़्यादा प्रेशर ना मिले, कान में मतलब दर्द भी ना हो कान को। ठीक है, तो इस तरीके से था ये हमारा जो कि ज्वेलरी है, जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, इसकी प्राइस मैं दिखा दे रही हूँ कि कितना है, लिखा हुआ आप लोग को आ रहा होगा इसका प्राइस। तो देखिए, पीछे से जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हैं टाइट करके, अपने मतलब कंफर्टेबल के अनुसार आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं मांगटीका वेयर कर रही हूँ, उसमें एक क्लिप पहले मैं घुसा लेती हूँ। ठीक है, क्लिप को आप लोग इसमें फंसा लीजिएगा, देन उसके बाद आप हेयर में इसको टक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मांगटीका भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अगर लहंगा पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। ठीक है, तो मांगटीका भी बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे लहंगा कोई भी कलर का हो, वाइट कलर का अगर आपका ज्वेलरी रहता है तो बहुत ही मैचिंग करती है। ठीक है, मतलब अच्छी मैचिंग करती है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट रिव्यू हो गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है ज्वेलरी। देन सेकेंड अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि सेकेंड बॉक्स है, उसमें भी मैंने ज्वेलरी ही ऑर्डर किया है। ठीक है, बट इसमें जो ज्वेलरी है वो थोड़ा डिफरेंट है, लाइट वेट में है, बोल सकते हैं आप कुर्ती में इसको ईजिली पहन सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, जो कि मुझे ओपन करने में थोड़ी मुश्किल बुझा रही है, तो कोई बात नहीं, मुश्किल बुझा रही है तो क्या हुआ, फिर भी ओपन कर ही लूँगी मैं जैसे तैसे करके। चलिए ओपन करते हैं दिस वन। ये बॉक्सेस में मिला है, एंड इसमें ज्वेलरी कुछ इस प्रकार से मिली है, इसका कोई डब्बा नहीं मिला था। तो इसमें देख पा रहे हैं, इसमें मोर पंख यहाँ पे छपा हुआ है। ठीक है, तो मोर पंख इसमें इयररिंग में है, एंड ये जो है ये गला का एक माला दिया। अब मैं इसे वेयर करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने इयररिंग वेयर कर लिया, बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा चेहरा में आपको घुसा देना है। ठीक है, जैसे कि मैं घुसाई हूँ। ठीक है, और इससे क्या होता है ना कि कान में भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, इजीली आप लोग ये इयररिंग वेयर कर सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद ये माला को भी वेयर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एंड ये जो है ये आपको साड़ी में ज़्यादातर यूज़ करने के लिए मिल सकता है, जो माला इसका दिया हुआ है। ठीक है, साड़ी में ज़्यादा अच्छा लगेगा, सूट में भी ठीक लगेगा, कुर्ती जो पहनेंगे नॉर्मल कुर्ती उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से है, तो ऐसा लुक निकल के आ रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और मैं अगर मंगलसूत्र अंदर से हटा दूँ तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से था, दोनों ही काफ़ी खूबसूरत है, दोनों का मैं प्राइस लिख दी हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा ये दोनों ज्वेलरी मीशो से।